आपके लिए स्टार्टअप की जॉब या फिर कॉरपोरेट की नौकरी या सरकारी नौकरी कौन सा बेस्ट है और इन सब के क्या प्रोज हैं कॉन्स हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, ये सब इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और जल्दी से वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखो यार, मैंने एक सीड फंडेड स्टार्टअप में ऑलमोस्ट 2 साल नौकरी करी है। उससे पहले मैंने स्टार्टअप में इंटर्नशिप भी करी हुई थी। मेरे कई सारे दोस्त कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं और मेरे खुद के दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे इन तीनों जॉब्स के बारे में आइडिया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस और ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। और जब आप जॉब करते हो, बेसिकली 3 मेन फैक्टर्स आप कंसिडर करते हो। पहला है स्टेबिलिटी, कि भैया अगर आज जॉब ली तो कल को हमारे पास जॉब रहेगी, आप कभी भी हम फायर हो सकते हैं। दूसरा है मनी या पैसा, कि मतलब यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पापी पेट के लिए और घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो कितना पैसा मिलेगा नौकरी में। और तीसरा है ग्रोथ रेट, मतलब हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं कि नहीं, जो चीज़ सीख रहे हैं वो आगे काम आएगा कि नहीं, फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, ये चीज़ भी हम जानना चाहते हैं। तो यही 3 मेन फैक्टर्स है जिसमें मैं स्टार्टअप जॉब, कॉर्पोरेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब को कंपेयर करने वाला हूँ। और इसमें मैं 1 to 5 रेटिंग दूंगा। 1 जो कि सबसे कम होगा, मतलब सबसे कम स्टेबल, सबसे कम पैसे, सबसे कम ग्रोथ रेट, और 5 मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा पैसे या फिर सबसे तेज ग्रोथ रेट। और इसमें भी मैं डिवाइड करूंगा शॉर्ट टर्म, जो कि मेरे हिसाब से 5 साल से कम होता है, और लॉन्ग टर्म जो कि 5 साल से ज़्यादा होता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी टाइप की जॉब करते हो ना, ये जो 3 मेट्रिक है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हम इन तीनों जॉब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो अब हम स्टेबिलिटी से शुरुआत करते हैं। तो अगर आप स्टार्टअप में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो ना, तो भैया मीम लगाओ यार वो वाला, भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। तो अगर स्टेबिलिटी पानी की तरह होता है ना, तो स्टार्टअप में मान लो कि ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है ना, जो लावा निकल के आता है, अब बोलोगे भैया ये इतना मुश्किल होता है क्या। हाँ भैया, स्टार्टअप में आपको लिटरली हर दिन अग्नि परीक्षा के थ्रू जाना पड़ता है। आप मान लो कि भैया आपकी टाइटैनिक जा रही है और हर दिन आपको आइसबर्ग से बचना पड़ता है। और वैसे तो शॉर्ट टर्म में स्टार्टअप के स्टेबिलिटी में मुझे 0 out of 5 देना चाहिए, पर क्योंकि 1 to 5 रेटिंग है, मैं स्टार्टअप के शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी को रेटिंग दूंगा 1 out of 5। और लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचेंगे भैया आप तो स्टार्टअप बड़ी बन रही है, हजारों एम्प्लॉयज हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग रेस करी हुई है, तो आप थोड़ा बहुत स्टेबल ही होगा, तो इसका आंसर है नहीं। तो क्योंकि यार यूजुअली स्टार्टअप्स 5 साल के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती है, और अगर आप पैसा कमा नहीं रहे हो तो लिटरली आप भगवान और इन्वेस्टर्स के भरोसे हो। तो कल को इन्वेस्टर्स ने फंड करने से मना कर दिया, तो आप प्रमोशन मांगने एचआर के पास जाओगे, वो आपके हाथ में रेजिग्नेशन लेटर ना थमा दे। और आप देखोगे यार जब ऐसे कुछ पैंडमिक या ऐसा सिचुएशन आता है, तो ओयो, स्विगी, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी इतने सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर देते हैं। और वैसे भी आप देखेंगे कि रेगुलरली स्टार्टअप्स फायर करते रहते हैं अगर उनका ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है। तो स्टार्टअप के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में मैं रेटिंग दूंगा 2 out of 5। अगर हम कॉर्पोरेट जॉब की बात करें, तो भैया कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो आपके जॉब में थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, और अगर आप कुछ गलतियाँ भी करते हो आपको काफ़ी मौके मिलते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हो तब आप फायर होते हो। तो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी अगर हम कॉर्पोरेट जॉब की बात करें, उसमें मैं 3 out of 5 की रेटिंग दूंगा। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, तो अगर आप कॉर्पोरेट में सही से काम करोगे तो आप काफ़ी सीनियर पोजीशन में पहुंच चुके होगे, और तब आप वैसे ही कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुके होगे, तो तब स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें कॉर्पोरेट जॉब में, तो मैं दूंगा 4 out of 5। और अगर हम सरकारी नौकरी में आ गए हैं, तो भैया इसमें क्या डिस्कस करना, सीधा 5 out of 5 दो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, मिडिल टर्म हो, एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म हो, मतलब इससे ज़्यादा स्टेबल तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। जब तक सरकार है, आपकी नौकरी है, चाहे सूरज आए ना आए, चाहे चांद डूबे ना डूबे, आपकी नौकरी रहेगी रहेगी। जैसा कि मैंने बोला, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी सरकारी नौकरी में 5 out of 5, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सरकारी नौकरी में फिर से 5 out of 5। तो अब स्टेबिलिटी की बात हो गई है, अब अगला मेट्रिक आता है मनी, यानी पैसा। एक्टर साहब वो मनी 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 वाला थीम सॉन्ग लगा लो। तो अगर आप स्टार्टअप में पैसा ढूंढने आ रहे हो, तो भैया अभी से निकल जाओ। लिटरली अगर आप सपने देख रहे हो कि स्टार्टअप से पैसे कमा लोगे, तो मैं वो राहुल गांधी का मीम याद दिलाना चाहूंगा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो शुरुआत में आप मान लो कि यार बहुत कम सैलरी होती है, अगर आप अच्छे एम्प्लॉय होते हो तो आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मिल जाते हैं। और शॉर्ट टर्म में मनी वाइज तो मैं स्टार्टअप को रेटिंग दूंगा 1 out of 5,
और अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचोगे कि भैया वो बहुत पैसे कमा लेते हैं, भैया स्टार्टअप की जॉब से ना आप पैसे ज़्यादा नहीं कमाते। मैं ईशॉप्स के बारे में बात नहीं कर रहा कि अगर आपने ईशॉप्स बेच के पैसे कमा लिए वो अलग बात है, और लॉन्ग टर्म में भी उनका हसल चल रहा होता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आई नहीं होती। पर कुछ कुछ सीनियर एम्प्लॉयज़ को ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, तो आप मान लो लॉन्ग टर्म में मनी वाइज मैं स्टार्टअप्स को रेटिंग दूंगा 3 out of 5। अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात कर लें तो शुरुआत में भैया कंपनी के पास पैसा तो होता है, बट यूजुअली जब आप ज्वाइन करते हो आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, आपके पास उतने स्किल्स नहीं होते, तो इसीलिए आपको कमी सैलरी मिलती है। तो शॉर्ट टर्म में मनी वाइज मैं कॉर्पोरेट जॉब को रेटिंग दूंगा 2.5 out of 5, पर लॉन्ग टर्म में ये सिचुएशन पूरी बदल जाती है, क्योंकि आप काफ़ी सीनियर पोजिशन में होते हो, आपकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और यूजुअली सीनियर एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए कॉर्पोरेट्स काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में मनी वाइज तो कॉर्पोरेट जॉब्स को रेटिंग है 5 out of 5। तो मतलब पैसे कमाना है तो यार कॉर्पोरेट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज है। कई सारे सीनियर एम्प्लॉयज़ को तो यार करोड़ों में सैलरी मिलती है। अब अगर हम सरकारी नौकरी की बात कर लें तो भैया यहाँ तो सैलरी हर लेवल के लिए फिक्स्ड ही होता है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है, बट शुरुआत में थोड़ी कम सैलरी होती है। तो शॉर्ट टर्म में मैं मनी वाइज गवर्नमेंट जॉब को दूंगा 2 out of 5 रेटिंग। पर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, जैसे जैसे आप सीनियर एम्प्लॉय बनते हो आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है, वो भी एक फिक्स्ड पाथ पे होती है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में मनी वाइज मैं गवर्नमेंट जॉब को रेटिंग दूंगा 3.5 out of 5। अब हम तीसरे मेट्रिक पे आ जाते हैं जो कि है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट में मतलब आपको नौकरी में कितना ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका करियर भी काफ़ी तेज से बढ़ रहा है, तो फुल इससे आपका फ्यूचर भी ज़्यादा ब्राइट होगा। अगर हम बात कर लें स्टार्टअप की, तो भैया स्टार्टअप मतलब शुरुआत में आपके पीछे से रॉकेट लगा दिया होता है, पहले दिन से आपको रिजल्ट लेके आना है और जो भी आपको काम मिलता है उसको सही से करना है। ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया ये जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, आपको डिफरेंट फील्ड्स के भी काम करने पड़ेंगे। बेसिकली वॉट एवर इट टेक्स का एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि आप कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करते रहे, ताकि आप नई नई चीज़ें सीखें और उनको इंप्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें, एक्सपेरिमेंट अगर फेल हुए तो उनसे भी सीखें। और शुरुआत में एक जनरल अप्रोच रहता है, क्योंकि आप काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ें मैनेज करते हो। तो ग्रोथ के मामले में शॉर्ट टर्म में मैं स्टार्टअप्स को सीधा रेटिंग दूंगा 5 out of 5, इससे ज़्यादा ग्रोथ हार्डली आपको कहीं मिलेगी। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो तब यूजुअली आप एक डिपार्टमेंट संभाल रहे होते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टअप के लिए, और उसमें आपको काफ़ी डीप नॉलेज और एक्सपीरियंस हो चुका होता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि ग्रोथ रेट ज़्यादा कम हो जाता है, कभी कभी आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी मैनेज करना पड़ते हैं। तो स्टार्टअप के लॉन्ग टर्म में मैं ग्रोथ रेट को रेटिंग दूंगा 4 out of 5। अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात कर ले तो यूजुअली शुरुआत में आप एक ही चीज़ पे फोकस करते हो, और कभी कभी दूसरी चीज़ें भी आपको करना पड़ता है, पर वो आप अपना काम करने के बाद ही करते हो। और शुरुआत में अगर आप मेहनत करोगे तो आप कॉर्पोरेट लैडर काफ़ी जल्दी बढ़ते हो, आपको प्रमोशन जल्दी जल्दी मिलता है। तो कॉर्पोरेट जॉब में शॉर्ट टर्म ग्रोथ रेट में मैं रेटिंग दूंगा 3.5 out of 5। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो कॉर्पोरेट में फिर आप एक स्पेशलिस्ट बन जाते हो, एक मेजर डिपार्टमेंट आप पूरा संभालते हो, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रोथ कम हो जाता है। तो इसलिए कॉर्पोरेट जॉब के लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट को मैं रेटिंग दूंगा 3 out of 5। और अगर हम सरकारी नौकरी कर लें भैया, तो जितना काम है उसका 20% कम कर लो, बट 1% ज़्यादा नहीं करना है। तो वहाँ पे अगर आप गलत करते हो तो काफ़ी दिक्कतें हो जाती है, आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर नहीं पाते हो, और हाँ यार दूसरी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो, जो काम दिया जाता है वही करना पड़ता है। बट शुरुआत में आपको काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में ग्रोथ रेट में मैं गवर्नमेंट जॉब को दूंगा 2.5 out of 5। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर लें भैया, तब आप सीनियर लेवल पे होते हो, काम का प्रेशर बढ़ जाता है, बट भाई आप गलतियां नहीं कर सकते हो, और ग्रोथ रेट ऐसा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो गवर्नमेंट जॉब के लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट को भी मैं वही सेम रेटिंग दूंगा 2.5 out of 5। तो एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि यार हर चीज़ में एक्सेप्शंस होते ही हैं। और अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो मैं सीड फंडेड, सीरीज ए, सीरीज बी फंडेड स्टार्टअप्स या फिर बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात कर लें तो आप मान लो TCS, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, गूगल, फेसबुक, मैकेंजी, BCG, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और गवर्नमेंट जॉब तो आपको पता है कि यार ग्रेड ए, ग्रेड बी, IAS, IPS, IRS ये सब अंडर आते हैं। तो ये जो पॉइंट स्ट्रक्चर है ये मेरा ओपिनियन है, तो इसमें भी एक्सेप्शंस होंगे कि भैया ग्रेड बी ऑफिसर और IAS ऑफिसर, इन सब में तो यार डिफरेंस होगा ही, वो तो आप सब समझ ही गए होंगे। पर इसमें आपको ओवरऑल समझ आ गया होगा कि भैया अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करना चाहिए, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको कॉर्पोरेट जॉब पे फोकस करना चाहिए, पर अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको स्टार्टअप पे फोकस करना चाहिए। और ये एक्चुअली आपके सिचुएशन के ऊपर, आपके कैलिबर, आपके पैशन, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि यार अगर आप एक जॉब फील्ड में गए तो हमेशा आपको उसी फील्ड में रहने की ज़रूरत है। तो मान लो कि यार घर में फाइनेंसिस की दिक्कत है, तो शुरुआत के
अगले 3-4-5 साल आप कॉर्पोरेट जॉब कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंसेस मिलेगा, स्किल्स सीखोगे, काफी सारे प्रोसेसेस के बारे में जानोगे, और उसके बाद फिर आप अपना स्टार्टअप खोल सकते हो। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, जैसे कि प्रतिलिपि के फाउंडर रंजीत कुमार सिंह है, या फिर नो ब्रोकर के फाउंडर अमित कुमार अग्रवाल है। दूसरी तरफ बहुत बार ऐसा होता है कि यार लोग स्टार्टअप में फेल हो जाते हैं तो वो फिर कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेते हैं, और क्योंकि उनके स्टार्टअप में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होती है, काफी इन चीजें सीखी होती है, वो चीज वो कॉर्पोरेट में इंप्लीमेंट करते हैं और काफी उनको सक्सेस मिलता है। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि यार लोग पहले गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उसके बाद क्विट करके स्टार्टअप कर लेते हैं। आप अनअकैडमी के फाउंडर रोमन सैनी को ही देख लो। तो आई होप आपको यार इस वीडियो से थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी और आप अपने हिसाब से टारगेट कर सकते हो कि यार कि अभी आपको स्टार्टअप में जॉब करना है या कॉर्पोरेट जॉब चाहिए या सरकारी नौकरी चाहिए। तो अगर यार ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कर दो। और क्या आप चाहते हैं कि यार मैं स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस या बिजनेस में क्या फर्क है, कौन सा आपको करना चाहिए, कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो इस टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना। वैसे आप क्या ये भी जानना चाहते हैं कि यार इसराइल कैसे स्टार्टअप कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बना और कैसे स्टार्टअप की मदद से वो दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन गया, तो उस टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट कर देना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आगे हम ऐसे स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।